ये क्या देख रही हूँ मैं निचले ताजमहल में? क्या कह रहा है कोई? ओहो, अब चेंज होने का टाइम आ गया है। ससुराल में जितना भी कर लो, सब खुश, सबको खुश नहीं कर सकते। कुछ ऐसा कोई बड़बड़ बड़बड़ कर रहा है। ये ऊपर की कोई रो रहा है? ये कौन रो रहा है? मतलब ऐसा लग रहा है मानो जबरदस्ती जो है आंखें निचोड़ी जा रही हैं कि कम से कम एक दो आंसू निकल तो जाए। मैंने यहाँ काम बहुत किया, मेरा यहाँ काम अब नहीं, या कहें कि मुझसे अब काम होता नहीं। राम राम मेरे बच्चों, क्या हाल चाल? ठीक ठाक? दादी भी एकदम ठीक ठाक, पर मुझे लग रहा है कि दंगल लैंड में कुछ ठीक ठाक नहीं है। हालात कुछ गड़बड़ गड़बड़ लग रहे हैं। वैसे मुझे पता है मेरे बच्चे बहुत चलाक है, सब समझ गए होंगे, है ना, कि ये जो भी हो रहा है सब ड्रामे के अंतर्गत हो रहा है। चाहे भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना हो, है कि अब नहीं होता मुझसे, अब नहीं होता, या फिर किसी का रोना धोना हो, सब कुछ जो है वो एक स्क्रिप्ट के अनुसार होता है। पर मेरे बच्चों, मैं जो है, या हम जो है, हम बात करते हैं वीडियो पे, तो ये देखा जो भी है असलियत जो भी है, हम बात सिर्फ वीडियो पे ही करेंगे, है ना। और कुछ मैं अपने अपनी भी भावनाएं व्यक्त करूंगी, मतलब अपने विचार भी आपसे शेयर करूंगी। हो सकता है वो मेरे विचारों से सहमत ना हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि नहीं दादी, आपको ना ये गलत लग रहा है। ठीक है, देखो दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो जो डायरेक्टर साहब है, मतलब पीपड़ महाराज, जो कि ये सब दिखा रहे थे, किसी से संवेदनाएं व्यक्त करवा रहे थे, वो किसी मतलब शूटिंग के तहत हो रहा था, है ना। एक्टर को बोला जा रहा था कि भी अपनी इमोशंस तुम बताओ, कि तुम बहुत झेल चुकी हो, तुमसे झेला नहीं जा रहा है। लेकिन 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 जो एक्टर है, या यूँ कहे एक्ट्रेस है, वो कहीं ना कहीं अपने अंदर की भावनाएं व्यक्त कर रही है। मतलब कहीं ना कहीं वो ये सब कहना चाहती है कि बस पीपड़ बस, अब मुझसे और ना हो पाएगा तेरा ये जो फैमिली ड्रामा है, मुझसे और ना, मतलब क्योंकि भैया हमने जो है कहीं ना कहीं दुपट्टा का लाइफस्टाइल देखा है उसके मायके में, है ना। अभी भी चाहे बेशक वो वीडियो बनाने के लिए दिखा रही थी काम काम काम, पर कितना का काम करती है हम लोगों को पता है। और सही भी है भाई, इकलौती बेटी थी, है ना, कहते हैं वो जिद्दी टाइप की बेटी थी, माँ बाप ने सर पर चढ़ा के रखी थी, नहीं होता था। तो कोई भी इंसान इतनी जल्दी जो है इतना नहीं कर सकता, इतना काम नहीं बन सकता, लेकिन फिर भी इस लड़की ने जो है एफर्ट्स डाले हैं वो सराहनीय है, है ना। लेकिन भाई एक चीज़ ये भी बोली गई थी शादी से पहले रंगीली वाला द्वारा कि मैं चूल्हे पे खाना बनाऊंगी, तुम्हें खुद हाथ से अपने बना के खिलाऊंगी। पिपड़ भी कहता था मैं पूरी मदद करूंगा, और तुम सिर्फ ना जो काम करना कैमरे के लिए करना। लेकिन चीज़ें चेंज होगी भाई, काम करती है ये लड़की, मतलब मेड वगैरह कुछ नहीं रखी अब है। दूसरों के बारे में उंगलियाँ उठाई जाती थी कि वह मेड नहीं रखी थी बेचारी, हमारी बहन जो है, मतलब हमारी बेटी बहन जो भी काम करती, लेकिन यहाँ पे बोला हम मिल बांट के काम कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो भाई जिस लड़की ने, है ना, कभी काम नहीं किया, उसको इतना काम उसके सर पे पड़ जाए तो फर्क तो पड़ेगा, है ना। हालांकि बहुत से ऐसे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं पिपड़ के तमाशे में कि भाई ससुराल में तो काम करना पड़ेगा, ये है वो। तो भी ससुराल में काम करना बेशक पड़ता है, लेकिन फिर चीज़ें पहले क्लियर होती हैं। पहले किसी को ना छलावे में नहीं रखना होता है कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, फिर इंसान उसी तरह तैयार होके आता है, प्रिपेयर होके आता है मेंटली जो भी, है ना, कि भाई हाँ ऐसा होगा वैसा होगा। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी इस लड़की ने अपने जो एफर्ट्स डाले हैं, समय हमें सब कुछ दिखता है ये सब, है ना। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो है वो दुपट्टा की भावनाएं हैं, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं इंस्टा पे मैंने कई बार इसकी रील जो शेयर करती है, ये स्टोरीज डालती है, उसमें दिल की मैंने भावनाएं इसकी देखी हैं, जो डायरेक्ट नहीं बोल पाता इंसान ना, फिर वो रीलो शिलो में जो है, वैसे पुत्र हमारी कहती तो हैं कि जो हम नहीं कह पाते वो रीलो शिलो में दिखा देते हैं। तो कहीं ना कहीं वो भावनाएं मुझे कहीं ना कहीं वहाँ व्यक्त होती दिखती हैं दुपट्टा की। तो बेशक आज ये ड्रामा है, शूटिंग है, सब कुछ है, स्क्रिप्टेड है, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब असली में भी होने वाला, असलियत में भी ये सब होने वाला है। क्योंकि इंसान कहते हैं ना, एक तो सहन करने की एक सीमा होती है, दूसरा भाई है नहीं कि भाई हमेशा बच्ची की बच्ची बन के रहेगी, या इसको कभी होश नहीं आने वाला। भाई पत्थर कहते हैं ना, पत्थर तो पक्का, कैसे भी ठोकरे खा खा के, तो कभी ना कभी इसको ठोकर खा के होश आ भी सकता, और क्या पता आ भी गया हो, है ना, यू नेवर नो। चलिए एक चीज़ जो मुझे लग रही थी मैंने बता दी, अपन दूसरी चीज़ बताती हूँ। वो तुम लोगों ने, मेरे बच्चों ने कहानी तो सुनी होगी, शेर आया, भेड़िया, बाघ, चीता, जो भी आया है ना, अलग अलग जो दादी नानी वो अलग अलग जानवर बताती है, अलग अलग तरह के क्रिएचर, कोई शेर, कोई बाघ, कोई चीता, जो भी है ना। तो एक लड़का था शरारती सा, झूठा सा पिपड़ की तरह, जो झूठ बोलता रहता था हमेशा कि शेर आ गया, ये आ गया, वो आ गया, और जब भी उसको गाँव वाले बचाने आते थे तो कुछ नहीं आया होता था। एक बार जो है असलियत में शेर आ गया, या जो भी क्रिएचर है ना आ गया, और उसको खा गया, लेकिन कोई गांव वाला उसको बचाने नहीं आया, क्योंकि उनको लगा कि भाई जो ये पिपड़ जैसा जो बालक है वो
फिर से शायद जा झूठ बोल रहा है, तो उसको कोई बचाने नहीं आया। वो बेचारा उसको शेर, बेचारा शेर नहीं, उस बेचारे लड़के को, झूठे लड़के को जो है वो शेर चीता बाघ भेड़िया खा गया है। अब आप बोलोगे दादी क्या कहानियाँ सुनाने बैठ गए, तो मेरे बच्चों में कहानी इसलिए सुना रही हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ कि कहीं ऐसा भी, यहाँ भी तो ऐसा नहीं हो रहा कि इन लोगों ने इतने झूठ बोले हैं, इतने झूठ बोले कि अगर आप सच भी बोल रहे हैं तो हमें झूठ लग रहा है। कहीं ना कहीं हो सकता है भी, पता क्या होता है, जो ये लड़के होते हैं ना, जब इनकी शादी होती है या शादी से पहले, शादी के कुछ टाइम बाद भी लड़कों को ना नहीं होता पता कि दुनियादारी क्या चीज़ है, खाना पहनने का कुछ पता नहीं होता अक्सर जो है। अब देखो कुछ अगर बच्चे, मेरे लड़के बच्चे देख रहे होंगे तो बुरा मानेंगे, बुरा मत माना बच्चों, पर एक लड़के को असली मायने में पुरुष बनाती है, जेंटलमैन बनाती है ना, वो एक औरत ही बनाती है। तो कहीं ना कहीं दुनियादारी की समझ एक औरत ही जो है दिमाग में डालती है एक मर्द के, है ना। तो हो सकता है कि भाई दुपट्टा ने कुछ समझाया हो, दुपट्टा की बातों से जो पीपड़ को कुछ अकल आई हो, इसलिए उसने डिसाइड कर लिया कि नहीं मतलब मैं पूतनाओं का सच सबके सामने लाऊंगा। वैसे भी भाई जाने अनजाने केवल पोलियो खोल देता है ये, है हमने देखा हुआ। वो याद है आपको भी सड्डी का सच कैसे लाया था, वो पीता लड़कता हुआ दरवाजे से बाहर निकलाता है और क्या हालत थी उसकी बेचारे की, या जो एक बार चढ़ा रहा था है वो भी दिख गया था हमें। तो जाने अनजाने में, तो ये जाने अनजाने में भी नहीं होता था, वो भी बड़ा चालू है ये पीपड़, वो मुझे लगता वो भी जानबूझ के ये पोलम पट्टियाँ खोलता था। तो हो सकता है भाई अब इसने डिसाइड किया हो कि भाई मेरी बहन तो बाज आ नहीं रही है, वो तो डायरेक्टली बकवास करने लगी, तो क्यों ना मेरी पत्नी भी है, मतलब मैं बुरा नहीं बनूंगा लेकिन मैं दुपट्टा को आगे कर दूंगा। ये भी हो सकता है कि भाई दुपट्टा के कंधे पे जो है बंदूक रख के जो गोली चलाई जा रही हो पीपड़ के द्वारा कि पूतना ठिकाने पे आ जाने तो देख ले फिर तू, है ना, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यू नेवर नो। जो भी है मेरे बच्चों, पर दादी को बड़ा अच्छा है, अगर झूठा था तब भी, अगर सच्चा था तब भी, मतलब ये वाला स्टेप जो है दुपट्टा को एक न एक दिन उठाना ही होगा, उसको अपने लिए इज्जत चाहिए तो। और वैसे भी मेरे बच्चों ये सच है कि जो इंसान अपनी इज्जत नहीं करता ना करवा सकता है, वो दूसरों की इज्जत नहीं करता, फिर वो सिर्फ ढकोसला होता है, दिखावा होता है। सबसे पहले होती है सेल्फ रिस्पेक्ट, है ना, और जो इंसान देखो दुपट्टा भी है, अगर वो अपनी इज्जत नहीं करती है, खुद की रिस्पेक्ट नहीं है उसकी नज़र में कोई, या किसी से नहीं करवा पाती है, तो वो जो दिखाती है ना वो सब फिर धोखा है, झूठ है, फरेब है ना। क्योंकि भाई इंसान को सबसे पहले अपने बारे में, देखो मैं स्वार्थी होने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन इज्जत सबसे पहले होती है ना, अपनी ही रिस्पेक्ट का जिसको नहीं पता वो दूसरों की रिस्पेक्ट क्या ही करेगा। चलिए तो भाई ये वाली सारी बात थी, मेरे को बड़ा मज़ा आया सुन के, चाहे झूठ था लेकिन कुछ पल के लिए सुकून मिला, है ना। जब उसने बोला कि भाई अब मतलब उस टाइटल पढ़ के भी बड़ा मज़ा आया, वैसे तो है भाई कि अब मैं ससुराल वालों के लिए जितना गलो खुश नहीं होते ऐसा वैसा तैसा, है ना। चलिए झूठा तो झूठा ही सही। अब बात कर लेते हैं छोटी पूतना के बारे में। तो भाई छोटी पूतना कल जो है ज़बरदस्ती वाला रोना रो रही थी, हाँ जी बिल्कुल ज़बरदस्ती वाला रोना सामने दिख रहा था, है मतलब ऐसे ज़बरदस्ती आंखें निचोड़ी जा रही थी कि कम से कम दो चार आंसू निकल आए। और एक बात जो आपने शायद नोट नहीं की होगी, या शायद आपने नोट करी होगी कि जो एक सीन था ना वो रोने धोने का, उसमें जो कपड़े पहने गए हैं ना, वो कपड़े तब पहने गए जब वो है एक महाधमाका हुआ, या फिर जब बोल रही थी कि मैं एडिट करते हुए देख रही थी तो मैं इमोशनल होगी, मतलब ये स्पेशल सीन अलग से शूट किया गया है। हैं जी, दाते की पार की नज़र से नहीं बच सकती पूतना, जो भी करो सोच समझ के किया करो, यहाँ पे है। तो कहीं ना कहीं वो ये जो वो है ना एक निधि की दुनिया साइक्लोन है, उस जैसे जो बनने की कोशिश करी गई थी, मतलब वो भी ऐसे करती है, मतलब कैमरा ऑन करके रोती रहती है। भाई मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती इन ब्लॉगर्स की, भाई दादी तो जैसे कैमरा ऑन करती है अगर आंसू आ भी रहे होते तो सूख जाते हैं, कहीं गायब हो जाते हैं, और इन लोगों के पता नहीं कैसे मतलब आंसू ऐसे करके निकल आते हैं। तो भाई वो जब सारी कोशिश थी जो जबरदस्ती आंसू बहाने की, वो सिर्फ लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए थी। तो मुस्टंडी पूतना है, लोग अब बेवकूफ़ नहीं है, कहीं ना कहीं ये जो सारे ब्लॉगर्स के तुम्हारे ड्रामे हैं ना, सबकी समझ में आते हैं अब, है सबकी समझ में। और ये क्या छोटा सा धमाके से डर रही थी तू, है भाई तू इतना बड़ा, खुद बहुत बड़ा महान धमाका है तू, इतने बड़े बड़े तूने धमाके कर रखे हैं, ये तो इन धमाकों ने तो धमकना ही तुमसे सीख, मतलब इन धमाकों ने जो क्या बोलते हैं उसको है कि कैसे धमाके किए जाते हैं, जो भी होता है वो तुमसे ही सीखा है, इनसे कदर नहीं, तो तुम्हारे शिष्य है, गुरुजन हो तुम इनकी, है गुरु हो कि कैसे कैसे बम फोड़े जाते हैं, बूम ब्राम ब्राम ब्राम। तो इससे क्या डर रही थी तू है छोटी पूतना। और तुमने सुनी है वो कहावत, सावधानी हटी दुर्घटना घटी है। तो जब तुझे पहले ही ऐसे धुआं निकल रहा था, पैसे तो खैर धुआं निकलता ही रहता है इसके अंदर से जलन का हमेशा, तो उसको समझ में नहीं आया होगा कि धुआं इसके अपने अंदर से निकल रहा है कि उस वो क्या था, वो क्या बोलते हैं उसको, नाम नहीं याद रहा उसका, हैंड ब्लेंडर है उसे निकल रहा था, इसलिए थोड़ा धोखे में हो गया, फिर उसका भूम भड़ाम हो गया जो भी है।
तो भाई ध्यान से काम करते हैं, सोच समझ के, है ना। जब धुआं निकल ही रहा था तो तब के तब छोड़ देती है, नहीं पर तुझे तो धूम भड़ाम 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 करवानी ही थी, है ना। सच बताऊं तो पता नहीं वो धूम भड़ाम भड़ाम हुई भी थी कि नहीं हुई थी, या थोड़ा सा पचक गया हो, राम जाने भाई। कसम से मतलब ये वाले इनका हिसाब हो गया ना कि अब वो वाले झूठे लड़के वाली जो कहानी, वो मुझे बार बार इनके लिए याद आ जाती है कि इतना झूठ इतना झूठ इतना झूठ बोलते हैं कि अगर सच भी बोलेंगे ना तब विश्वास नहीं होगा भाई, मुझसे तो कम से कम विश्वास नहीं होगा। आप बताओ मेरे बच्चों, आपको विश्वास हो रहा है कि भाई ये जो रोना धोना, ये जो नीचे वाला ड्रामा है वो सच है? हाँ, नीचे वाला भावनाएं सच्ची हो सकती है। ये है, चलो अच्छा। आज तो ये तो बात रही, मतलब जो आज का कंटेंट था पूरा का पूरा वीडियो इसी पे छाप दिए। लेकिन एक चीज़ जो जाते जाते जो है छोटी पूना ने बोली है कि अब जो है चैनल पे बदलाव कुछ किए जाएंगे, कुछ मैं अलग से दिखाऊंगी, तो क्या दिखाएगी? मतलब अब तक बोल बोल के जो लड़ाइयाँ हो रही थी कि अब द्वंद्व युद्ध शुरू करेंगे ये लोग, क्या अब सबके सामने वो द्वंद्व युद्ध, पता है ना जो ऐसे हाथों से जो वो पहलवान होते हैं लड़ते हैं, तो क्या अब वो वाला सब कुछ होने वाला है यहाँ पे? मतलब इस बंदी का हमेशा यही होता है, जब भी इनके व्यूज डाउन होने लग पड़ते हैं तो कुछ ऐसी बातें करना शुरू कर देते हैं, चैनल का नेम चेंज करेंगे, चैनल में ऐसा करेंगे, चैनल में वैसा करेंगे। अरे चैनल का कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, अपना जो है ना कुछ कर रहे हो वो ढंग से करना शुरू कर दो, जो तुम्हारा कंटेंट है उसको साफ सुथरा करो, उसको कुछ ऐसा बनाओ कि लोगों को देखने में मजा आए। भाई तुम्हारा बैठ के ज्ञान देना, भाई तुम्हारा बस एक ही चीज़ में पूरा वीडियो ही छाप देना, भाई रोना धोना ससुराल मायका ये सब, है ना। मतलब ऐसी भी कोई तुमने जीवन में ऐसी उपलब्धि प्राप्त नहीं करी है कि तुम्हें लोग देखेंगे, जैसे वैसे कई लोग हैं, है ना। वो कौन सा रोनाल्डो, रोनाल्डो ने अभी चैनल खोला और देखो उसके मिलियंस में उसके सब्सक्राइबर हो गए, व्यूज आ रहे, क्योंकि उन लोगों ने कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ में, है ना, कुछ किया है, ऐसा नाम कमाया तो लोग उनको देखना चाहते हैं। भाई तुम कौन हो, है ये सारी तुम कंट्रोवर्सीज कर करके तमाशे दिखा दिखा के तुम सामने आए हो अब। लेकिन अब ये तमाशा भी जो है जनता कब तक देखेगी, कब तक बोर होती रहेगी? तो भी सुधारना है तो कंटेंट सुधारो अपना, है अब क्रिएटिविटी दिखाओ अपनी कुछ। ये बकवास या नाम चेंज करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होगा। और मैंने सुना भी तोतली शोतली, किसी ने मुझे क्लिप भेजा था कि भाई कह रही है तोतली शोतली कि भाई मेरी जीजी का साथ ना ससुराल वालों ने दिया ना मायके वालों ने दिया है, तो तू आ जा साथ देने, या ले जा इसको अपने साथ, है क्या हुआ भाई? तू खुद ही कहती थी ना मायके वाले साथ देंगे, ये है वो है, भाई साथ इसका किसी ने नहीं छोड़ा, पर ये ही किसी के साथ के लायक नहीं, मतलब इसने कभी किसी का साथ नहीं दिया, है ना, भाई किसी की सगी नहीं हुई ये। अब देखो, अब देख लो चिलमो, भाई ससुराल वाले तो थे ही इसके क्या क्या नाम अत्याचारी, अब मायके वाले भी अत्याचारी हो गए, जिनके लिए सब कुछ छोड़ छड़ा के आ गई है, जैसे रंगीली वाले के लिए पीपड़े के लिए है, अब वो भी अत्याचारी हो गए। मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि दुनिया में सिर्फ एक ही शरीफ महिला है, वो है हमारी छोटी पोतना, बाकी सारी के सारे अत्याचारी। तो दाल में तो कुछ ना कुछ तो काला है, या पूरी की पूरी दाल काली है। चलिए मेरे बच्चों, भी जो भी है सो है, नाटक है ड्रामा है इनका, ऐसे कभी कभी देखने में मज़ा आ जाता है वैसे। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, कुछ ड्रामे वाला वीडियो है। पसंद आया तो क्या करना है आपने, लाइक कमेंट शेयर करना है, और लव यू दादी भी बोल सकते हो आप, हैं और टीरू वाले भी लाइक कर सकते हो, कमेंट मत करना टीरू वालों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।